तगड़ टेप कांड में मंतू राम पवार के बड़का बयान सामने आए, देखो हमारी रिपोर्ट। अंतागढ़ टेप कांड में मंतूराम पवार के बड़का बयान आए हैं। कहिस के किरणमयी नायक कना अगर सबूत है तो 4 साल तक न्यायालय और सरकार ला काबर गुमराह करिस। आरोप है एसआईटी का गठन सरकार ने किया और जांच पूरा नहीं हुआ, मात्र 2 लोगों का बयान होने के उपरांत एफआईआर दर्ज करना, इसके मतलब एसआईटी के ऊपर दबाव बनवाना, सरकार को खुद का बनाया हुआ एसआईटी कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है सरकार बदला के भावना से काम कर रही है, इसमें राजनीति कर रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, किरणमयी नायक ये क्यों करेगी हमारे नाम से एफआईआर दर्ज? अंतागढ़ प्रकरण के बारे में इनको क्या मालूम है? 2014 की मामला है, 4 साल तक ये नींद में सोई रही। आप एक लॉयर हो, कानून के ज्ञाता हो, आपके पास सबूत प्रूफ है, तो आपके नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने न्यायालय हाईकोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां पर सबूत के अभाव में माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो आपके पास सबूत प्रूफ था तो आपने क्यों नहीं गया, साक्ष्य क्यों नहीं दिया? इसलिए 4 साल तक आपने न्यायालय को गुमराह किया, आपको पार्टी का गुमराह किया, इसलिए 420 का प्रकरण किरणमयी नायक के ऊपर होना चाहिए और मेरा उनके ऊपर आरोप है, मैं मानहानि का दावा एफआईआर दर्ज करके किरणमयी नायक के ऊपर करूंगा। मंतूराम कहिस पखांजुर थाना में किरणमयी नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाही और कही किरणमयी नायक के खिलाफ मानहानि के केस खलो करी। अंतगढ़ ले डिजिटल रिपोर्टर दीपक पूड़ो की रिपोर्ट।